हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। अगर आप लोग भी एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच कर रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नेगेटिव्स बताने वाला हूँ आईफोन्स के, कुछ ऐसे कॉन्स बताने वाला हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप लोग स्विच कर रहे हो एंड्रॉयड से आईफोन्स में। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन की बैटरी लाइफ की। तो गाइस, आप सभी ने ये बहुत ज़्यादा सुना होगा कि आईफोन्स में बैटरी लाइफ जो है बहुत कम होती है। नॉर्मली आईफोन्स में 3000 से 4000 एमएएच तक की बैटरी होती है। जो प्रो वेरिएंट होते हैं उनमें आपको 4000 एमएएच तक की बैटरी मिलती है और उनका प्राइस तो आप लोगों को पता ही है कि कितना होता है। तो आपको पता है कि एंड्रॉयड में 20000 से 30000 भी पे करते हो तो उसके बाद भी आपको 5000 एमएएच तक की बैटरी मिल जाती है। लेकिन आईफोन में आपको 80 से 90000 रुपये पे करने के बाद भी 3 से 4000 एमएएच की ही बैटरी मिलती है। तो अगर आप लोगों को अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो iPhones सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 1:15 बजे। और दूसरे नंबर पर है आईफोन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि आप इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब आपको जितनी स्टोरेज आईफोन में दी गई है आप उसी का यूज़ कर सकते हो। आईफोन में जो है आपको 60-70,000 पे करने के बाद भी 64GB तक की स्टोरेज देखने को मिलती है। अगर आप लोगों को 128 या फिर इससे ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इस तीसरे नंबर पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे बड़ी दिक्कत है। जो आईफोन्स होते हैं इनमें आपको बैक बटन दिया ही नहीं जाता। अगर आप लेने वाले हो iPhone 12 mini या फिर कोई छोटा iPhone तो आप iPhones को एक हाथ से फिर भी यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोग इसके प्रो वेरिएंट ले रहे हो तो इसमें आपको बैक बटन नहीं दिया जाता जिसकी वजह से आपको दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ता है। और गाइस, चौथे नंबर पर है iPhone का कैलकुलेटर। अगर आप लोगों के दोस्तों के पास iPhone है तो उनसे कभी आप जाके पूछना कि आपको कैलकुलेटर का कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि इसके जो कैलकुलेटर होते हैं इसमें आप जब भी डिजिट्स को प्लस कर रहे होते हैं तो आपको उसमें डिजिट नहीं दिखते। तो अगर आप लोगों को अपना जो कैलकुलेशन है उसे टैली करना है तो ऐसा करना पॉसिबल है नहीं आईफोन्स में। जब एंड्रॉइड्स में आप कैलकुलेशन करते हो पूरी कैलकुलेशन आपके सामने होती है, आप एक एक डिजिट को देख पाते हो कि आपने क्या क्या प्लस। लेकिन आईफोन्स में आप सिर्फ रिजल्ट देख सकते हो। तो गाइस, पांचवे नंबर पर है आईफोन की मेंटेनेंस कॉस्ट। वैसे तो ये काफी ऑब्वियस है कि आप इतना महंगा फोन ले रहे हो तो खर्चा भी महंगा ही पड़ेगा। इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है। अगर आप लोगों के हाथ से आपका आईफोन छूट जाता है और इसकी बैक टूट जाती है तो लगभग 40,000 का खर्चा आ जाता है, 50 तक का भी आ सकता है। और अगर इसकी स्क्रीन टूट जाए तो 20-25,000 का खर्चा फिर आराम से ही आ जाता है। तो गाइस, छठे नंबर पर है कि आईफोन्स में आपको कोई भी बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डिंग फीचर नहीं दिया जाता। अगर आप लोग को किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करना पड़े तो आप लोग आईफोन से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। एंड्रॉयड में ऐसा कर सकते थे लेकिन अब जो लेटेस्ट एंड्रॉयड्स है उसमें भी सामने वाले को पता चल जाता है कि आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन आईफोन में तो कॉल रिकॉर्डिंग का कोई फीचर ही नहीं है। बाकी आप लोगों को आईफोन्स के प्राइस बताने की जरूरत तो होगी नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।